नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसीएक्स शोरगेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टू कैंडल पैटर्न्स की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप सिंगल कैंडल को पैटर्न को एनालाइज करके उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे दो कैंडल के पैटर्न के बारे में कि दो कैंडल के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ पाएँ। स्किप करके मत देखिएगा। और जो भी व्यूअर्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डुअल कैंडल का पैटर्न जो है वो होगा हेरेमी। ठीक है, तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुलिश हेरेमी पैटर्न है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ी कैंडल होती है जिसको जनरली वैसे बड़ी कैंडल को हम मदर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी कैंडल होती है उस कैंडल के बीचों बीच एक छोटी कैंडल बनती है जिसका हाई लो ओपन क्लोज ये चारों बड़ी कैंडल की बॉडी के अंदर बनता है। और जो क्लोजिंग होती है प्रीवियस कैंडल की, यानी कि जो अब स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो जो रेड कलर की एक कैंडल है बड़ी वाली, ठीक है, इस कैंडल में जो क्लोजिंग प्राइस है जिस प्राइस पे वो क्लोज हुआ उस क्लोजिंग प्राइस से ओपनिंग जो है नेक्स्ट कैंडल की वो ऊपर होनी चाहिए, स्लाइटली अप होनी चाहिए। और वहाँ से जब वो कैंडल क्लोज होगी तो भी वो कैंडल की बॉडी की जो ओपनिंग थी पिछली वाली लाल वाली की उससे नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, उसके अंदर बीचों बीच पूरा का पूरा कैंडल होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है इसका मतलब आप बाय की तरफ जा सकते हैं, यानी कि बाइंग के लिए एक बुलिश, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैसा ही ट्रेंड आपका बेयरिश के लिए भी होता है, यानी कि नीचे जाने वाली मार्केट के लिए भी होता है, जिसको हम कहते हैं बेयरिश हेरेमी। बेयरिश हेरेमी पैटर्न में सेम चीज आपको दिखाई देगी लेकिन वहां पर जो मदर कैंडल है वो रेड कलर की ना होके ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, वो ग्रीन कलर की होगी और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी और वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में होगी, यानी कि बॉडी जो है मोटा वाला हिस्सा जो कैंडल का आपको दिखाई दे रहा है उससे अंदर ही अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सेल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे दो पैटर्न जो कि बुलिश हेरेमी और बेयरिश हेरेमी थे। इन दोनों से सिमिलर अभी मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूँ जिसका नाम होता है एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग में भी आपको बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग दोनों पैटर्न मिल जाए। बुलिश एंगल्फिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो छोटी कैंडल है, जैसे जो चाइल्ड कैंडल, छोटी कैंडल को हम जैसे चाइल्ड कैंडल बोल देते हैं और बड़ी कैंडल को मदर कैंडल बोल देते हैं, तो चाइल्ड कैंडल आपको रेड कलर की देखने को मिलेगी और जो मदर कैंडल होगी वो चाइल्ड कैंडल से नीचे, काफी नीचे से ओपन होगी और ऊपर तक चाइल्ड कैंडल को कवर करता हुआ और उससे भी ऊपर जाके क्लोज होगी, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है ना इस तरीके से। यहाँ पर एक छोटी कैंडल आपको दिख रही है इसको हम चाइल्ड कैंडल बोल रहे हैं, तो चाइल्ड कैंडल और दूसरी कैंडल जो है उसको हम मदर कैंडल बोल रहे हैं, तो मदर कैंडल जो है वो काफी बड़ी है और चाइल्ड कैंडल काफी छोटी है, और चाइल्ड कैंडल जो है उसका ओपन क्लोज हाई लो पूरे बॉडी के अंदर कवर हो रहा है नेक्स्ट कैंडल के, तो इसको हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो भी हम बाइंग की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड इसका रिवर्स जो होता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसमें क्या होगा कि जो चाइल्ड कैंडल है वो ग्रीन कलर की होगी और जो मदर कैंडल है वो रेड कलर की होगी, तो ग्रीन छोटी सी कैंडल बनेगी उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जो ओपन क्लोज हाई लो सारे को कवर करके पूरा नीचे तक चली जाएगी और नीचे जाके क्लोज हो जाएगी, तब हम जाके सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद हम तीसरे पैटर्न की बात करते हैं। तीसरे पैटर्न का नाम है दोस्तों राइजिंग विंडो। ठीक है, अब यहाँ पर दो अलग अलग पैटर्न बनते हैं, राइजिंग विंडो होता है एक फॉलिंग विंडो होता है। ठीक है, तो जो राइजिंग विंडो है उसमें क्या होता है कि आपको दो ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखाई देंगी जो कि आपस में गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई देगी, यानी कि एक पहली जो कैंडल होगी सेम साइज की दो कैंडल होंगी, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 80-20 का रेशो हो सकता है,
पहली कैंडल उसमें क्या होगा, जो पहली कैंडल है उसका जो हाई है, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर ही ओपन होती है और उसके ऊपर ही जाके वो क्लोज हो जाती है। इसको कहते हैं हम राइजिंग विंडो। राइजिंग विंडो की कैंडल अगर बनती है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इस पैटर्न का मतलब होता है कि अगला सिग्नल बाय का हम ले सकते हैं। ठीक, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो फॉलिंग विंडो होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों जो कैंडल है, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल, दोनों में स्लाइट एक डिफरेंस होता है, एक गैप होता है जो कि नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा। यानी कि जो पहली कैंडल है वो जहां क्लोज होगी और उसका जो लो है, ठीक है, उस लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी और नीचे ही नीचे चली जाएगी। ऐसी तरह की कैंडल बनती है, तो आप उसको राइजिंग विंडो करके आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहां से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और आता है पैटर्न जिसको बोलते हैं हम ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम में क्या होता है, जैसे ट्विजर टॉप की मैं बात करूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ट्विजर टॉप में क्या होता है कि एक मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, और वहां पर जाके दो अलग अलग कैंडल्स बनेंगी। उसमें एक कैंडल होगी रेड कलर की और दूसरी कैंडल होगी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो जो पहली कैंडल है, ठीक है, वो होगी ग्रीन कलर की। अगर ऊपर टॉप बना है, ट्विजर टॉप बना है, तो ग्रीन कलर की पहली कैंडल होगी और दूसरी कैंडल होगी रेड कलर की। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हो कि यहां से मार्केट नीचे जाने वाली है और आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम जब बनता है, वो नीचे, जब नीचे मार्केट नीचे जाती जाती है, उसके बाद एक कैंडल रेड बनेगी पहली वाली, और उसके बाद की अगली जो कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी, और कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होगा जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके की कैंडल बनती है तो आप उसे ट्विजर बॉटम कह सकते हो, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां से बाइंग की पोजीशन बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सिंग। ठीक है, पर्सिंग के पैटर्न में क्या होता है कि जो पहली कैंडल होती है, बड़ी कैंडल जो आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर की है, तो रेड कलर की कैंडल यानी कि मार्केट उस कैंडल में नीचे गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो पिछली कैंडल से नीचे ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ आती है, और ऊपर की तरफ आकर जो बड़ी कैंडल, जो पहली कैंडल थी हमारी, उस कैंडल का 50% जो बॉडी है उसको कवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग लेती है। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिले आपको पर्सिंग पैटर्न, उसमें आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, रिवर्स ही सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर पहली कैंडल ग्रीन कलर की है और उसके बाद रेड कैंडल ऊपर से खुलती है और नीचे आके 50% बॉडी को कवर करके नीचे उससे क्लोज हो जाती है, तो फिर आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया पर्सिंग पैटर्न का। इन सब पैटर्न्स को एक बार चार्ट में जब आप MT4 खोलोगे या कोई भी चार्ट जो आप यूज करते हो, उसमें पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और आपको समझ में भी आने लगे कि ये चीजें किस तरीके की होती हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 कैंडल पैटर्न के बारे में कि 3 कैंडल पैटर्न को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।